हमारे साथ विजय वडेट्टीवार जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र की तुलना बांग्लादेश से की, और साथ ही कहा कि शेख हसीना को जिस तरह से भगाया गया बांग्लादेश से, हम उस तरह से सरकार को नहीं भगाना चाहते, लोकतंत्र के माध्यम से भगाना चाहते। निश्चित रूप से संजय राउत जी ने जो कहा था वो सच है ना। महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, पिछले 5-6 महीने का इतिहास निकालिए। जात और धर्म में झगड़े लगाने का काम मस्जिदों पे मिला हुआ, मंदिरों पे, ये सब जो काय आपस में लड़ाने के काम जो कोशिश की गई, वो रिजर्वेशन को लेकर मराठी और मराठा और ओबीसी में जो संघर्ष खड़ा किया गया, ये सरकार की देन है। आज बेरोजगार युवा भटक रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है, और यहाँ की इंडस्ट्री गुजरात में जा रही है। तो महाराष्ट्र की स्थिति बांग्लादेश से बुरी, उससे भी बुरी है। मैं ये मानता हूँ कि बेरोजगार की परेशानी आज इतनी है, सबसे ज्यादा सुसाइड जो किया युवाओं ने महाराष्ट्र के अंदर में हुई है। तो उन्होंने कहा वो सच कहा है। आज इनको भगाने के लिए निर्णय हुआ है, जनता ने किया है, पार्लियामेंट में इसकी शुरुआत की, और असेंबली को इनका एन होगा। हम लोग ऐसे लोकतंत्र के हिसाब से हम लोग इनका इनको सत्ता से बाहर फेंकेंगे। हम लोग ये नहीं चाहते कि बांग्लादेश में हुआ है तो लोगों ने हाथ में कानून हाथ में लेकर किसी को ये किया है, पर तानाशाही वृत्ति से अगर काम करोगे तो जनता वही हाल करेगी, ये भी इन्होंने ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। वक्फ बोर्ड का बिल जब कल जिस पर चर्चा चल रही थी, बातचीत हो रही थी, उस वक्त शिवसेना का एक भी सांसद वहां मौजूद नहीं था, विपक्ष लगातार हमले कर रही है। नहीं देखिए, ये मैं तो मुझे पता नहीं, पर वो कल हमारी मेजोरिटी इतनी बड़ी थी, हमने पोल मांगा था, सरकार डर गई थी, इसीलिए उनको मजबूरन जेपीसी के तरफ ये बिल को भेजना पड़ा। ये 10 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है, इतना अपोजिशन का पूरा दबाव में सरकार काम, पूरा दबाव चला, पूरा ताकत हमने लड़े, इस हक के लिए लड़े। जो बिल में प्रावधान है वो समाज को, किसी समाज के खिलाफ में ये हमें उसमें गंध दिखती है, उसके उनका इरादा जो है वो ठीक नहीं है। हर धर्म के लोगों को न्याय देना, यही हमारी भूमिका होनी चाहिए, पर उसमें जानबूझकर आपस में लड़ाने की और दूसरे का हक, किसी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश भी वहाँ पे दिखती है। तो ऐसी स्थिति में हम सब ने लड़े हमारे पार्लियामेंट में, हमारे राहुल जी के नेतृत्व में, और डर के मारे इस बिल को जेपीसी के अंदर भेजना। सर, कल की मीटिंग में क्या कुछ खास रहा? कल जो मीटिंग हुई उसमें क्या कुछ खास था? कल कौन सी मीटिंग हुई? दिल्ली में जो बैठक हुई थी। नहीं, वो हाईकमान के साथ में बैठक हुई थी, उनकी चर्चा हो गई होगी। देखिए, उसमें महाराष्ट्र से कुछ संबंध है जो चुनाव तो के लिए? तो ऐसे कभी महाराष्ट्र के नेतृत्व को या महाराष्ट्र के नेताओं को बुलाया नहीं गया था, और उद्धव जी और राहुल जी, खड़गे साहब, इन वरिष्ठ नेताओं ने जो चर्चा की उनके बारे में हमें पता नहीं है। हो सकता है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर कुछ चर्चा हुई होगी, ऐसा समझ में आ रहा है। अभी तो कोई आदेश नहीं आया कि किस तरह से, कोई आदेश नहीं, किसी बात की उनके इंट्रक्शन नहीं है हाईकमान के, और कोई आदेश भी नहीं है। सर, आप लोगों ने एक सर्वे भी कराया था, जिस सर्वे में ऐसा भी सामने आया कि करीबन 20 जो सिटिंग विधायक हैं वो पॉपुलर नहीं है, या फिर काम नहीं करते, फिर पार्टी के अगेंस्ट काम करते, क्या उनका टिकट कट? सर्वे हो सकता है, सर्वे में तो बहुत सारे लोगों का, हमारे ये नहीं सर्वे हुआ है, सर्वे कोई बाहर नहीं आया है, ये सर्वे बातें जो चल रही है, किसी की टिकट काटी जाएगी, किसी का वो वहाँ पे सिटिंग एमएलए संभावना कम है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पार्टी के साथ में गद्दारी किया है उनके बारे में हमने गंभीरता से सोचा है। मतलब कुछ ऐसे विधायक हमें मिले हैं जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं? नहीं, वो तो आइडेंटिफाई हमने किया है, वो उचित कार्रवाई का निर्णय हाईकमान ने लिया है। धन्यवाद। तो हमारे साथ विजय वडेट्टीवार थे, कैमरा पर्सन आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.